मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद राम स्वरूप शर्मा ने अपनी जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि देश की जनता एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी, जो कि उनका सपना साकार हो गया और केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार सत्तासीन हुई है। राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि सुखराम परिवार ने हमेशा मेरे 5 साल का रिपोर्ट कार्ड मांगते थे, जो कि आज मंडी की जनता ने उन्हें मेरा रिपोर्ट कार्ड लाखों जीत दिलाकर दिया है। केंद्र में भाजपा की प्रचंड जीत के साथ साथ हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से अनुराग ठाकुर की शानदार जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया। सुबह से ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी थी। जैसे ही 10 बजे के करीब भाजपा ने शुरुआती रुझानों में 300 के आंकड़ों को छुआ तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। पन्याली ब्लॉक, कश्मीरी, श्रेणी, हरेटा, ग्लूड व अन्य कई जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े, डीजे की धुनों पर खूब डांस किया। अमरोह से भाजपा कार्यकर्ता कमलजीत शर्मा, पृथ्वी चंद, कविराज ईश्वरदास, बिक्की ठाकुर, विशाल अरुण, पवन साई व अन्य कई कार्यकर्ताओं ने खूब डुमके लगाए। कई जगह अनुराग ठाकुर की जीत पर कार्यकर्ताओं ने लड्डू भी बांटे। अनुराग की जीत और मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री बनने पर जिला परिषद बिहारी लाल गलोड, बीडीसी सदस्य विजय कुमार ध्रुव सिंह राणा, पूर्व प्रधान विद्या प्रकाश, उप प्रधान राजकुमार शर्मा, नरेश कुमार, पवन भाटिया, प्रमिला देवी, सुनीता देवी, उत्तम चंद, सनी बाबूराम, रमेश चंद, अन्य कई भाजपा पदाधिकारियों ने अनुराग ठाकुर को बधाई संदेश भेजे। जिला परिषद बिहारी लाल और जे आर शर्मा ने भाजपा की इस जीत को लोगों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि मोदी ने देश के लोगों के दिलों में जगह बना ली है, मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। लोकसभा चुनावों में चौथी बार रिकॉर्ड जीत दर्ज करने पर अनुराग ठाकुर के घर समीरपुर में देर रात तक लोगों का तांता लगा रहा। वहीं आज सुबह से ही हजारों की तादाद में कार्यकर्ता बधाई देने पहुंचे। समीरपुर में घर पर पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के अलावा छोटे बेटे अरुण धूमल, विधायक कमलेश कुमारी भी मौजूद रही। दूर दूर से आ रहे कार्यकर्ताओं में जोश दिखा तो कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर भी एक दूसरे को बधाई दी। वहीं कार्यकर्ताओं के लिए विशेष तौर पर धाम का आयोजन भी किया गया था। अपनी जीत पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि नतीजों के बाद भी रात करीब 3 बजे तक लोगों का हजूम घर पर लगा रहा और इस जीत के लिए मोदी और अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने 4 लाख मतों से जिताने के लिए जनता का भी आभार जताया और कहा कि जनता के द्वारा दी गई जिम्मेदारी को दिल से निभाऊंगा। वहीं पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने अनुराग ठाकुर को दिलाई जीत पर प्रदेश के मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में सफलता मिली है, जो कि ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि मोदी के 5 साल का कार्यकाल शानदार रहा है और प्रदेश सरकार ने बढ़िया से काम किया है, जिससे आज नतीजा सामने आया है। सुजानपुर टीहरा में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा अनुराग ठाकुर की विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने मुख्य बाजार में जुलूस निकालकर शीतला माता मंदिर तक जुलूस निकाला। उन्होंने ऐतिहासिक चौगान में पटाखे करके खुशी व्यक्त की। वही उन्होंने बताया कि सुजानपुर की जनता ने भाजपा का साथ देकर हमीरपुर क्षेत्र के विकास के लिए योगदान दिया है। वही उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के घर द्वार पहुंचकर धन्यवाद करेंगे और सुजानपुर में रुके विकास कार्यों में तीव्र गति पकड़ेंगे। इस अवसर पर भाजपा महामंत्री अंकुश गुप्ता, सुजानपुर शहरी प्रधान अध्यक्ष सुधीर भटनागर, पूर्व पार्षद सरवन अंबिका शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष अशोक मेहरा, नगर परिषद उप प्रधान कमलेश कुमारी, पूर्व नगर परिषद प्रधान जीवन ऋषि महाजन सहित राजेंद्र फौजी सहित अन्य के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।